पटना के पौराणिक महावीर मंदिर ने कोरोना को लेकर भी नियम सख्त कर दिए हैं। महावीर मंदिर में अब बगैर मास्क श्रद्धालु को एंट्री नहीं मिलेगी और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का भी ख्याल रखना होगा भक्तों को। मंदिर प्रशासन के मुताबिक सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। महावीर मंदिर का जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता रितेश मिश्रा ने। देखिए, देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने 7 दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अलावा सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। इस वक्त मौजूद है हम पटना के ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में और देखिए कि कितनी मुकम्मल व्यवस्था यहाँ की गई है। यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रद्धालु आएगा, वो चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, वो बगैर मास्क यहाँ पर एंट्री उसे नहीं मिल सकती है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है और ये व्यवस्था जो है इसका कितना अच्छा परिणाम निकलकर सामने आएगा। जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि मंदिर में इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है, लोग मान रहे हैं कि नहीं? मान रहे हैं, जो नहीं मानते उनको रिटर्न कर देते हैं। हम लोग बिना मास्क के अलाउ नहीं करते हैं, मास्क लगाने के बाद ही मंदिर में अलाउ करते हैं, जाने देते हैं। सारा चेक करने के बाद मंदिर में जाने देते हैं। लोगों को जानकारी है कि बगैर मास्क और सारे नियमों को मान के ही आपको हनुमान मंदिर? हाँ हाँ, आते हैं बहुत लोग, तो मास्क लगाकर आते हैं। ऐसा भी आदमी है जो मास्क नहीं लगाता, उनको कहते हैं बाबू मास्क लगा कर जाइए, लगाते हैं। तो देखिए कि इस तरह की व्यवस्था सभी जगहों पर जरूरी है, क्योंकि एक मंदिर में अगर इस तरह की व्यवस्था हो सकती है तो जहां पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर जो लापरवाही दिख रही है, देखिए कि भगवान बजरंग बली के सभी लोग भक्त हैं। यहाँ पर आज शनिवार का दिन है, लोग श्रद्धालु जो हैं वो प्रसाद चढ़ाने पहुंचे हुए हैं, लेकिन कोई भी जो भक्त है, कोई भी श्रद्धालु आपको बगैर मास्क यहाँ पर नहीं दिखेगा। और कहा भी जाता है कि जो बजरंग बली के भक्त होते हैं वो तो ऐसे ही अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। ये बताइए कि ये जो व्यवस्था की गई है बगैर मास्क के नो एंट्री हनुमान मंदिर में, कितना जायज है? ठीक है सर, सुरक्षा के लिए अच्छा है सर। देखिए कि व्यवस्था की गई है, ये बताइए कि ये व्यवस्था कितनी सुरक्षित है और कितना अच्छा लग रहा है? ये अभी के समय परिस्थिति को देखते हुए, पिछले बीते हुए समय को देखते हुए, ये व्यवस्था जो की गई है मंदिर प्रशासन की तरफ से, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हम लोग सभी सुरक्षित हैं और एक दूसरे भक्त भी सभी से सुरक्षित हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रितेश।